हिमाचल के मंडी में बड़ा हादसा टल गया। निर्माणाधीन टनल पर काम करने वाले लोग बाल बाल बच गए। महज 13 सेकंड के अंदर टनल का बड़ा हिस्सा गिर गया। लोग जान बचाकर किसी तरह से भागे। पीछे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। पीछे करना, वो पीछे से गिर रहा है, भागो यहाँ से। देखते ही देखते टनल का हिस्सा गिरा। जान बचाने के लिए भागे मजदूर और इंजीनियर। महज 13 सेकंड के अंदर टनल का एक हिस्सा समीदोज हो गया। पहले एक दो पत्थर गिरे, फिर कुछ मलबा झड़ने लगा, फिर पूरा हिस्सा ही ढह गया। बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। देखिए, टनल के बाहर खड़े मजदूरों ने मोबाइल से टनल के गिरने का वीडियो बनाया। ये लोग जान खतरे में डालकर वीडियो बना रहे थे। इन्हें मालूम था कि टनल का हिस्सा जर्जर हो चुका है और किसी भी वक्त गिर सकता है, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटे, मोबाइल पर वीडियो बनाने लगे। जैसे ही टनल का मलबा गिरना शुरू हुआ, वैसे ही इन्हें जान बचाकर दूर भागना पड़ा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मलबे की चपेट में ये मशीनें भी आ जाती जो बाल बाल बच गईं। टनल का हिस्सा गिरते ही हड़कंप मच गया। इस निर्माणाधीन टनल के गिरने का आभास यहां काम कर रहे मजदूरों और इंजीनियर को पहले ही हो गया था। सब टनल खाली कर बाहर आ चुके थे, काम रोक दिया गया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर इस टनल को बनाने का काम चल रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। टनल जिस पहाड़ी पर है, वहां से पत्थर गिरने लगे, मलबा गिरने लगा, जिससे टनल जमींदोज हो गई। फिलहाल टनल में काम रोक दिया गया है। एक्सपर्ट की टीम पहले यहां आकर निरीक्षण करेगी, उसके बाद ही आगे काम हो पाएगा। कहां पीछे करना, वो पीछे से गिर रहा है, भागो यहां से। परी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी, आज तक। और लगता है पटना में तबाही मचाने वाले बादल दिल्ली आ धमके हैं। दिल्ली एनसीआर में कल रात तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। कहीं दुर्गा पंडाल जमीन पर आ गया, कहीं रामलीला का स्टेज उखड़ गया, कहीं रावण का पुतला बारिश में भीग गया, कहीं सड़क पर बैनर पोस्टर गिर गया। कल रात दिल्ली एनसीआर में बादल ऐसे बरसे कि आफत आ गई। सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगी, जगह जगह पानी भर गया। बारिश के साथ तेज हवाओं ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया। ये नोएडा में रामलीला की तस्वीरें हैं। तेज हवा और बारिश के चलते स्टेज गिर गया, सारी तैयारियों पर पानी फिर गया, सोफा, दरी, टेंट, कुर्सी सब भीग गया। रावण का पुतला भी बारिश में पानी पानी हो गया। नोएडा एक्सटेंशन में दुर्गा पूजा का पंडाल उखड़ गया, पूरा पंडाल इन गाड़ियों पर आ गिरा। राहत की बात यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। देर शाम आई हाहाकारी हवाओं और तेज बारिश ने नोएडा में बांस बल्लियों से बनाए गए गेट को गिरा दिया। गनीमत यह रही कि जब यह भारी भरकम गेट गिरा, उस समय कोई वाहन नीचे से नहीं गुजर रहा था, लेकिन उसके बाद सड़क पर आने जाने वालों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश की वजह से करीब आधे घंटे तक विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा।
एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 के पास चेक इन एरिया में छत से पानी टपकने लगा। तस्वीर में दिख रहा ये दिल्ली का ग्रीन पार्क का इलाका है। देर शाम हुई बारिश के बाद क्या हाल हुआ ये आपके सामने है। सड़क पर पानी भरा है तो वहीं इसका असर यातायात पर पड़ा। दिल्ली के लोधी कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों में तो ओले गिरने की भी खबर सामने आई। बारिश इतनी जोरदार थी कि जो जहां था वहीं फंसा रह गया। अक्टूबर महीने की पहली बारिश ने दिल्ली को पूरी तरह धो डाला। कई इलाकों में लंबा जाम लग गया, सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, लोगों को दफ्तर से घर पहुंचने में संघर्ष करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी बादल बरसेंगे। आज तक ब्यूरो। और चप्पल को हथियार बनाकर एक महिला ने कांग्रेस पार्षद पर वार कर दिया। निगम में नेता प्रतिपक्ष पर पड़ी चप्पल ने सबको सन्न कर दिया। पूरी खबर देखिए। जिस शख्स पर यह महिला चप्पल बरसा रही है वो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कल्लू दीक्षित हैं। महिला ने पहले इनके गाल पर और फिर पीठ पर चप्पल मारी। इतने में पूरी सभा में हंगामा मच गया। चप्पल से हमला होते ही कांग्रेस नेता कल्लू दीक्षित हक्के बक्के रह गए। निगम के कर्मचारी ने किसी तरह महिला को रोका लेकिन उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। ये महिला पूरी सभा में हाथ में चप्पल लहराती रही, बाकी महिलाएं भी हंगामा करने लगी। बात बढ़ती देख कांग्रेस नेता ने दूर रहना ही ठीक समझा। कुछ देर में चप्पल लहराते हुए ये महिला फिर कल्लू दीक्षित के सामने खड़ी हो गई। दरअसल ग्वालियर के बाल भवन में राजीव गांधी आवास योजना के तहत लकी ड्रॉ निकाले जाने थे। हंगामा करने वाली महिलाओं का आरोप है कि नगर निगम ने योजना में भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने रिश्वत दी उन्हीं का नंबर आया। हंगामा इतना बढ़ा कि नगर निगम ने लकी ड्रॉ को ही टाल दिया। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक। और 220 किलोग्राम सोना। सोने से मां दुर्गा का दरबार सज गया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में मां दुर्गा के पंडाल में लगी मूर्तियों को 220 किलोग्राम सोने का आभूषण पहनाया गया, जो अब आकर्षण का केंद्र बन गया है। सोने से सजे मां के दरबार को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। बेशकीमती आभूषण होने की वजह से पंडाल में भारी संख्या में पुलिस तैनात है। निजी कंपनी के गार्ड भी हैं। कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। पंडाल को देखने के लिए भारी भीड़ जुट रही है। नई दिल्ली से कटरा तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कोई आम ट्रेन नहीं है। इस ट्रेन में बहुत कुछ ऐसा है जो अब तक नहीं था। आपको बताते हैं आपकी नई ट्रेन में क्या है खास। इस नवरात्र में वैष्णो देवी दर्शन करना चाहते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस में अपना कटरा का टिकट बुक करवा लीजिए। आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसे हरी झंडी दिखा दी है। इस सुपर हाई स्पीड ट्रेन से दिल्ली और कटरा के बीच सफर सिर्फ 8 घंटे में पूरा होगा। ये समय पहले लगने वाले 12 घंटे से 4 घंटे कम है। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजे कटरा स्टेशन पहुंच जाएगी। वापस आने का समय भी सही है। पहुंचने की ठीक 1 घंटे के बाद ये ट्रेन कटरा से वापस चल देगी और रात के 11 बजे नई दिल्ली आ जाएगी। नई दिल्ली से कटरा के बीच ये ट्रेन अंबाला कैंट, लुधियाना और जम्मू तवी स्टेशन पर रुकेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है। गौरतलब है कि देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस राजधानी दिल्ली से सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के बीच चलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 16 कोच लगे हैं और इसमें बैठने के लिए 1128 सीट है। इसमें सामान्य चेयर कार के 14 डिब्बे लगे हैं जिनमें 936 सीट है।
जबकि दो एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास है जिसमें 104 सीट है। नई दिल्ली से कटरा तक का चेयर कार का किराया करीब 1630 रुपए है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर का किराया करीब 3015 रुपए है। दिल्ली से कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें अधिक आरामदायक सीटें होने के साथ पेंट्री में अधिक जगह होगी। ये ट्रेन पूर्णतः वातानुकूलित है और इसे बुलेट ट्रेन के आकार में डिजाइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। आज देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस लॉन्च हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। यात्रियों के लिए कल से तेजस एक्सप्रेस का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। आइए आपको इस ट्रेन की खासियत बता दें। दिल्ली लखनऊ के बीच ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। अगर किराए पर गौर करें तो एसी चेयर कार का किराया 1125 रुपए है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2450 रुपए रखा गया है। देश की पहली ट्रेन ये ऐसी होगी जिसमें रेलवे विलंब पर भुगतान करेगी। 1 घंटे देर से चलने पर 100 रुपए और 2 घंटे लेट होने पर 250 रुपए मुआवजा मिलेगा। जेएनयू में एक बार फिर से आपको बता दें कि बवाल मच गया है। जी हां, छात्रों के दो गुटों के बीच जबरदस्त नारेबाजी हुई। बवाल मचा था एक व्याख्यान पर, कश्मीर के मुद्दे पर। यह व्याख्यान था केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर छात्रों के दो धड़े की नारेबाजी से गूंज उठा। एक तरफ की लेफ्ट विचारधारा, तो दूसरी तरफ दक्षिण पंथ से जुड़ाव रखने वाले छात्र। दरअसल इस हंगामे की वजह थी जेएनयू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जम्मू कश्मीर पर लेक्चर। कल शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जेएनयू के कन्वेंशन सेंटर में व्याख्यान था, लेकिन मंत्री के आने से पहले छात्रों का एक धड़ा विरोध में नारेबाजी करने लगा। लेकिन तब तक दूसरे गुट के छात्र भी पहुंच गए और उन्होंने सरकार के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। मैं जेएनयू का आम स्टूडेंट हूं और मैं देख रहा हूं यहां पर कि वो जो लोग हैं लेफ्ट के लोग, वो नारे लगा रहे हैं कश्मीर के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और हम आम स्टूडेंट एबीवीपी के समर्थन में उतर करके कश्मीरियत के लिए, हिंदुस्तानियत के लिए भारत के साथ पूरी तरह खड़े हैं। और इन देशद्रोहियों को कैंपस से ही नहीं, देश से निकाला जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो लेफ्ट यहाँ पर सो कॉल्ड बनता है, वो पहले कहते हैं कि हम हर बात पे डिस्कशन डिबेट वाला कल्चर अपनाना चाहते हैं, जो कि एक जेएनयू का कल्चर है, लेकिन उन्हें यहाँ पे उस कल्चर को खत्म करना है। यहाँ पर वो सबसे पहले आते हैं और हमारे वहाँ पर जब प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे पहले आके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। आपको घुसना है, आपको बात करना है, आप करिए, लेकिन उसका ये तरीका होता है कि आप प्रोटेस्ट लाके वहाँ पे लोगों को मारेंगे, ये आपका तरीका है। बहरहाल थोड़ी देर में मामला संभाल लिया गया और जितेंद्र सिंह का व्याख्यान बगैर किसी व्यवधान के पूरा हुआ। कुछ छात्र विरोध भी कर रहे नहीं, मुझे लगता है कि छात्रों के मन में यदि जिज्ञासा है इस विषय के ऊपर चर्चा करने की, समझने की, तो ये उनके उत्साह का एक प्रदर्शन है, अच्छी बात है। लेफ्ट विचारधारा के प्रति झुकाव की वजह से जेएनयू अक्सर चर्चा में रहता है। 3 साल पहले आजादी आजादी और देश विरोधी नारों को लेकर जेएनयू सुर्खियों में रहा था। तब जेएनयू के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 4 छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई थी। कल कैंपस में हुई नारेबाजी ने 3 साल पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया। दिल्ली से नैनिका सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है। चुनाव में जहां बीजेपी पूरी ताकत से उतरी है, वहीं कांग्रेसी खेमे में दोनों सूबों में उथल पुथल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी और शिवसेना पूरे जोश के साथ
चुनाव संग्राम में उतर चुकी है, लेकिन विरोधी खेमे कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। टिकट बंटवारे में तवज्जो न मिलने से नाराज मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके संजय निरुपम ने चुनाव प्रचार से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है कि वहां पे जो नाम मैंने दिया था उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तब मैंने कहा इसका मतलब पार्टी को मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, और पार्टी को मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो बेहतर है मैं पूरे कैंपेन से, चुनाव प्रचार से अपने आप को वापस ले लूं और चुनाव प्रचार में हिस्सा न लूं। बस इतना ही मेरा, इतनी मेरी घोषणा है। संजय निरुपम कांग्रेस के मुखर प्रवक्ताओं में शुमार रहे हैं। अपने अगले कदम का खुलासा आज वो करेंगे। गौरतलब है कि चुनाव से पहले नेता विपक्ष रहे राधाकृष्ण विखे पाटिल समेत कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पूर्व संसद सदस्य हूं मैं, इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा हूं, क्या एक नाम भी मैं सजेस्ट नहीं कर सकता और एक नाम भी आप नहीं दे सकते? इसका मतलब आपके पास मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है, बहुत सारे नेताओं को मैं जानता हूं कि स्क्रीनिंग कमेटी में फाइल के फाइल लेके जाते हैं, जिनको मालूम नहीं है अरे वहां पर टिकट के लिए झगड़ा करते हैं। मैं तो पूरी मुंबई को जानता, पूरे मुंबई में एक एक सीट पे बता दूंगा कौन अच्छा कैंडिडेट कौन खराब कैंडिडेट है। कांग्रेस में किस कदर भगदड़ मची है उसकी एक तस्वीर ये भी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के पुत्र और पूर्व कांग्रेस विधायक नितेश राणे कल बीजेपी में शामिल हो गए। वो सिंधुदुर्ग जिले की कनकावाली सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2014 में इसी सीट से वो कांग्रेस से चुने गए थे। अशोक तंवर कभी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब पार्टी के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े हो गए हैं। टिकट न मिलने के विरोध में उन्होंने कांग्रेस की सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा की सोहना सीट से अब वो निर्दलीय किस्मत आजमाएंगे। तो बहुत से लोग जिन्होंने पिछले 5 वर्ष कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया, जिनके ऊपर गंभीर आरोप भी थे बहुत से, फिर उनकी टिकटें क्यों, उनकी जगह नए साथियों को मौका क्यों नहीं? जाहिर है महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव से पहले ही अपने ही घर के झगड़े से परेशान नजर आ रही है कांग्रेस। मुंबई से कमलेश सुतार और साहिल जोशी के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। रामलीला में श्रीराम और हनुमान का रोल करने वाले कलाकारों को धरने पर बैठना पड़ा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में श्रीराम और हनुमान के धरने पर बैठने की खबर आज की तरफ फैल गई। दोनों कलाकार श्रीराम और हनुमान के भेष में ही धरना दे रहे हैं। इनके गुस्से की वजह है रामलीला के लिए जमीन ना मिलना। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताने और जगह के लिए ये कलाकार धरना दे रहे हैं। उधम सिंह नगर के केला खेड़ा में 50 सालों से रामलीला का मंचन हो रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन ने रामलीला समिति को कोई जगह उपलब्ध नहीं करवाई।